सी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्ति अग्निहोत्री। इस दुनिया में हर इंसान एक मकसद से आता है कि वे अपनी एक अलग पहचान बना पाए। वैसे ही हैं हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपना सफर एक चाय वाले से शुरू किया था और आज पूरे देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 69वां जन्मदिवस मना रहे हैं। उनको पूरे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम आदमी तक उनके जन्मदिन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन से पहले सोमवार की देर रात अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। अपने चहेते नरेंद्र भाई के जन्मदिन के लिए अहमदाबाद शहर सज धज के तैयार है। हवाई अड्डे से लेकर राजभवन तक होर्डिंग और बैनर लगे हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में इनका जन्म हुआ था। नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पूरे गुजरात में नर्मदा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 5000 जगहों पर नर्मदा की आरती की जाएगी। केवड़िया में खास कार्यक्रम भी रखा गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए कहते हैं, आज मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने वाले 130 करोड़ साथी नागरिकों में शामिल हो रहा हूं। वे एक निर्णायक नेता हैं और हम सभी के लिए प्रेरणा हैं। गोयल ने आगे लिखा, न्यू इंडिया के निर्माण के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा है, दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णायक नेतृत्व और अथक परिश्रम के प्रतीक देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जन्मदिन पर बधाइयां देते हुए कहा है, देश का सम्मान आपके नेतृत्व में नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाइयां दी और लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व कौशल के चलते विश्व में भारत की एक अलग पहचान कायम की है। ग्रामोदय से भारत उदय तक, आयुष्मान भारत से किसान सम्मान निधि तक, धारा 370 से तीन तलाक की कुप्रथा हटाने तक आपके हर निर्णय ने भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई। एनबीसी हिंदी की तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाइयां देती हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। धन्यवाद। एनबीसी के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।